आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जो वैश्विक महामारी है, जी अभी आपका नंबर नहीं आया, इसके इसके ऊपर चर्चा सदन कर रही है और हम देर रात तक बैठकर इस पर चर्चा कर रहे हैं और इसकी गंभीरता क्या सरकार को है यह पूरा ध्यान में आ रहा है। सभापति महोदय, बहुत लोग बहुत सारी बातें माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, स्वास्थ्य विभाग के बारे में और सरकार के बारे में कहते रहे, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से वैसे लोगों को कहना चाहता हूं कि यह है श्रेय लेने का समय नहीं था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्रेय नहीं लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मीयता के भाव से जन सेवा करने का काम किया है और उसी का परिणाम है कि आज देश में कोरोना पर कंट्रोल करने की स्थिति में हम खड़े हो गए हैं। एक मिनट, यदि सदन की अनुमति हो तो 12 बजे तक बढ़ा लें या और थोड़ा आगे तक बढ़ाएं? 12 बजे तक ही बढ़ाते हैं जी, प्लीज। माननीय सभापति महोदय, यह कोरोना किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वह बड़े से बड़े राजनेता हों, बड़े से बड़े व्यवसायी हों, बड़े से बड़े आर्ट और कला के क्षेत्र में काम करने वाले हों, बड़े से बड़े चिकित्सक हों जो स्वयं हजारों हजार लोगों के जान बचाने का काम किया, या फिर गांव में रहने वाले गरीब गुरबे लोग हों जिनको जकड़ा उनको अपने गाल में और अपने खगोश में लेने का काम किया। सभापति महोदय, जब यह कोरोना जब भारत में आया था, दिखा था, भारत उस समय इसको बचाने के दृष्टि से पूर्ण रूपेण एक सतह पर था, मैंने यह कहिए कि नील दृष्टि में था, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार उस समय भी प्रयास अपना शुरू किए और आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। उस लॉकडाउन पीरियड में भी जहां पीपीई किट्स नहीं था, जहां जांच करने के लिए जांच केंद्र नहीं थे, जहां अलग से चाहे पिको हो चाहे अलग से वेंटिलेशन नहीं था, अन्य सुविधाएं जहां देश में नहीं थी, दवा नहीं थी, तमाम चीजों को लॉकडाउन पीरियड में भी उन्होंने तैयार करने का काम किया। आज हमारे विपक्ष में बैठे हुए लोग जो उस समय कह रहे थे, कोई हाथ उठा रहा था, कोई साइकिल दौड़ा रहा था, कोई हाथी पर सवार होकर के तैयार था, वह लोग कह रहे थे कि यह बीजेपी का यह वैक्सीन है, यह मोदी का वैक्सीन है, अगर वैक्सीन लोगे तो नपुंसक हो जाओगे, वैक्सीन लोगे तो राम राम बोलने लगोगे, वैक्सीन लोगे तो मोदी मोदी बोलने लगोगे, यह लोग कहते थे, नारा देते थे, यानी देश के लोगों को गुमराह करने का काम करते थे। और उस समय इनके गुमराह करने की वजह से जो वैक्सीन लेने का रफ्तार था, वास्तव में कुछ मकसद करना पड़ा, लेकिन यह वैक्सीन आज वो लोग जो यह कह रहे थे, आज स्वयं भी जब उनको लगा कि यह मोदी का वैक्सीन हमारे जीवन को बचाने के लिए है, जिस पर दुनिया विश्वास कर रही है, जिनको दुनिया इसे भारत के वैक्सीन पर विश्वास कर रही है, हमें भी लेना पड़ेगा, और उन्होंने लेने का काम किया। और आज वैसे जो लोग गुमराह करने का काम कर रहे थे, आज वैसे लोगों को भारत माफ नहीं करेगा। सभापति महोदय, वैसे लोगों के ऊपर आज उन लोगों का पूरा ध्यान है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जहां ऑक्सीजन के लिए जब दूसरी लहर आई, ऑक्सीजन के कुछ दिनों के लिए किल्लत कृत्रिम करने का लोगों ने प्रयास किया, लेकिन आज देश का मैं समझता हूं कि कोई ऐसा अनुमंडल स्तर पर अस्पताल नहीं है जहां ऑक्सीजन प्लांट नहीं लग गया। डिफेंस के माध्यम से लगा, अन्य स्रोतों से लगा, पीएम केयर फंड से लगा, और स्वास्थ्य विभाग स्वयं उस पर केयर करने का काम किया, और आज हमारे पास जितना ऑक्सीजन जब यह महामारी आई थी उसने उसके कई गुने ज्यादा आज हमारे पास वह ऑक्सीजन आज वहां उपस्थित हो गया। आज कोई जिला मुख्यालय नहीं है जहां चाहे पिकू का हो, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे बेड हो, चाहे ऑक्सीजन प्लांट हो, और ऑनलाइन पाइपलाइन के द्वारा ऑक्सीजन दौड़ाने की व्यवस्था
आज देश ने करने का काम किया है। और आज हम तो बहुत सारे चीज जो अपने आज सरप्लस बन रहा है आत्मनिर्भर भारत की तरफ से, हम उसको आज विदेशों में भी देने का काम कर रहे हैं, विदेश में भी हम दे रहे हैं, और विदेश भी आज भारत का जय जयकार कर रहा है, आज मोदी का जय जयकार करने का काम कर रहा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वैसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं, कैसे सभापति महोदय, वैसे लोग जो इस महामारी में भी इस देश के 80 करोड़ लोगों को हम अन्न देने का काम कर रहे हैं। हमें वैसे समय में कोई पहली बार महामारी नहीं आई, यहाँ इस देश में महामारी पहले भी आई थी, हमें बाहर से अन्न मंगाना पड़ता था, बड़े बड़े दाने के मक्का मसूर, और यह मंगा करके लोगों का पेट भरण करना पड़ता था, और आज हम 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो फ्री में अनाज आज भी हम देने का काम कर रहे हैं, उन्हें हम मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं एक मिनट और समय लूंगा। आज भारत के प्रधानमंत्री ने दुनिया के अन्य देशों की बात आप खाली नजर दौड़ाएंगे, तब जब उनको वैक्सीन आया तो पहले वह लोग लेने का काम किया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने जब वैक्सीन भारतीय वैक्सीन तैयार हुआ तो पहले कोरोना योद्धाओं को वैक्सीन दिलवाया, डिफेंस के लोगों को वैक्सीन दिलवाया, पुलिस से मैन को वैक्सीन दिलवाया, इस पूरा कोरोना योद्धा में लगे लोगों के वैक्सीन के साथ फिर वृद्धजनों को वैक्सीन दिलवाया, और जब अपना उम्र आया, एज उम्र आया, तब अपने स्वयं वैक्सीन लेने का काम किया। यह इन्होंने दुनिया में एक एग्जाम्पल स्थापित करने का काम किया है महोदय। और जब ऑक्सीजन कमी हुई तब फिर हम ट्रेन, हवाई जहाज, अन्य जगहों से हमने ऑक्सीजन मंगाया और गांवों और घरों तक उसको पहुंचाने का काम किया है, और वैसे लोगों पर यह निश्चित रूप से निश्चित। सभापति महोदय, एक मिनट, जब आप हैं सभापति महोदय तो एक मिनट का और अंतिम समाप्त करता हूं। सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी भी, मैं अपने माध्यम से अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी मैं हृदय से बधाई करूंगा। एक एक कार्यकर्ता को, मतदान केंद्र तक के कार्यकर्ता को इसमें उन्होंने जागरूक करने के लिए लगाने का काम किया है, और आज जो वैक्सीन नहीं भी ले सके थे उनके पास तक वैक्सीन कैसे लग जाएगा, इसको उन्होंने करने का काम किया। इस लॉकडाउन में भी रोजगार देने के लिए भी हम 10,000 रुपये तक आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से, सभापति महोदय आधा मिनट, रोजगार देने के माध्यम से हम रेहड़ी लगाने वाले, यानी सड़क के किनारे जो अपने खोमचा लगाते हैं, उनको भी 10,000 रुपया बिना कोई ग्रांटर का देने का हमने काम करने का काम किया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं सिर्फ आग्रह करते हुए मैं अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा, और यह बात मैं सिर्फ इसलिए मैं कह रहा हूं कि वैसे लोग जो लोग अपने इसको गुमराह करने का काम कर रहे थे, जो देश को गुमराह किया, वैसे लोगों को यह भारत माफ नहीं करेगा। सभापति महोदय, यह भारत ने जिन माँ पिता को जो परिवार ने खोया है, जो पेरेंट्स को खोया है, उनके लिए भी उनके बच्चों को पढ़ने का, उनके पेंशन की व्यवस्था यह सरकार ने किया है। सभापति महोदय, यह सबका साथ सबका विकास।